चले आप आलिया रेडी है चलिए बोलिए आप ठीक है आलिया बोलिए सर कल जब मैं आ, सर कल जब मैं घर जा रही थी कल जब मैं घर जा रही थी ठीक है रहा था रही थी पास कंट्यूज कल जब मैं घर जा रही थी सर व्हेन आई वाज व्हेन आई वाज गोइंग होम गोइंगेरी गुड ठीक है सर येस्टरडे व्हेन आई वाज गोइंग ठीक है व्हेन आई वाज गोइंग होम तो चलते-चलते इसको ट्रांसलेट कीजिए चलते-चलते व्हाइल वॉकिंग एग्जैक्टली व्हाइल वॉकिंग अह वॉकिंग मेरी नजर मेरे दोस्त पे पड़ी ठीक है नजर पड़ने को क्या बोलते हैं उसके लिए मैंने आपको एक फ्रेज बोली थी कैच साइड ऑफ है ना सेकंड फॉर्म इज कॉट साइट ऑफ जरा बोलो चलते-चलते मुझे अपने एक दोस्त पे नजर पड़ी uh. While walking, uh, I I I uh, I got a sight. a sight on my friends i आई sight of my friend i माई sight of my friend theek ठीक लेकिन वो वो थोड़ा सा परेशान लग रहा था लेकिन वो परेशान लग रहा था बट ही वॉज वेरी डिस्टर्ब He was very really disturbed. वो बहुत ही disturbed था. ये भी बोल सही. और he was looking, he was looking upset. He was looking disturbed. ठीक है? He was looking disturbed. Or he was disturbed. Very good. Uh, जब मैं uh, जब मैं उसके पास पहुंची. मैंने उससे पूछा. जब मैं उसके पास पहुंची. जब मैं उसके पास पहुंची. When I reached to him. When I reached to him. Very good. ठीक है? When I reached to him.

मैं घर जा रही हूं ठीक है आई एम गोइंग होम उसने बोला uh, वहां पर मत जाओ ही टोल्ड मी डोंट डोंट गो गो देयर देयर मैंने बोला बात है क्या आई रिप्लाइड व्हाट्स रिप्लाइडर व्हाट इज द मैटर आई रिप्लाइड हिम दैट व्हाट इज द मैटर ओके आई रिप्लाईड व्हाट इज द मैटर इसने बोला कि जब मैं घर जब मैं घर जा रहा था टोल्ड मी वेन आई वॉज गोइंग होम

हाँ, बचाने को बोलते हैं सेव सेव की सेकंड लेकिन किसी तरह मैंने अपने आपको बचाया ठीक ठीक है है और मैं किसी तरह उस जगह से भाग के आई एंड आई गोट एस्केप्ड फ्रॉम देयर आई गेट अवर एक सेकेंड हाँ वो भी होता okay. है भागना गेट अवे फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से भागना ठीक है एंड सम हाउ आई गॉट अवे फ्रॉम दैट प्लेस मैं उस जगह से किसी तरह भाग के आई ठीक है मतलब बच के आई आई गेट अवे गेट अवे फ्रॉम ठीक है गेट अवे फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना एंड आई गॉट अवे फ्रॉम दैट प्लेस या आई गॉट अवे फ्रॉम दैट स्ट्रेंज थिंग ठीक है मैं उस चीज़ से उस मखलूक से स्ट्रेंज क्रिएचर मैं उससे मतलब किस तरह मैं भाग निकली भाग आई तो गेट अवे फ्रॉम का मतलब होता है किस चीज़ से बचना ठीक है ठीक है जिस तरह हम बोलते हैं कि मैं इस पेन से बच नहीं सकता हूं आई कैंट गेट अवे फ्रॉम दिस पेन ठीक है मैं इस पेन से बच नहीं सकता हूं आई कैंट गेट अवे फ्रॉम दिस पेन ठीक है लेकिन आ, uh, मैंने uh, मैंने उसकी बातों पर गौर नहीं किया लेकिन मैंने उसकी बातों पर गौर नहीं किया बट आई डिडंट रेस्पॉन्ड ऑन हिज वर्ड्स बट और आई डिडंट पे अटेंशन आई डिडंट पे अटेंशन टुवर्ड्स हिम ठीक है आई डिडेंट पे अटेंशन टूवर्ड्स हर मैंने ध्यान ही नहीं दिया मतलब मैंने उसकी तरफ अटेंशन नहीं दिया ठीक है आई डिट पे अटेंशन टूवर्ड्स इज वर्ड्स और उसकी तरफ ठीक है अब हम ये बोलते हैं लेकिन मैंने क्या किया आई डिडेंट पे अटेंशन टूवर्ड्स हिम ठीक है आई डिडेंट पे अटेंशन टूवर्ड्स हिम आलिया आप आलिया ही हो ना हाँ जी, जो अभी बोल रही थी हाँ 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 आप ही फ्रॉम श्रीनगर हाँ 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 हाँ

मतलब जो ना नहीं 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 आई आई थिंक बिफोर सम सम डेज यू यू क्वेश्चंस ओवर बट नॉट टू आंसर मी सर एक्चुअली uh, मतलब होता है पहले पहले बट okay, तो आप, वो, वो मैं मैं आप, आप नाकाबिल हो या और कुछ लेकिन मैं बता रहा हूँ आगर... <laughs> मैंने ऐसे ही बोला बस ओके 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 तो क्या आपको लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आई है यस यस सर डेफिनेटली डेफिनेटली सर मैं बोलती नहीं हूँ एक्चुअली जब आप पूछते हो हाँ हाँ बट डेफिनेटली मैंने इम्प्रूवमेंट बहुत मतलब लग रही है मुझमें एंड मैंने अल्लाह की कसम उतनी ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं किया ऑनेस्टली एक्चुअली थोड़ा इशू था तो अच्छा अच्छा चलो लास्ट टाइम आई आई आस्क्ड यू सम क्वेश्चन बट यू आर नॉट कैपेबल टू आंसर मी ओवर देयर आप मुझे आंसर मतलब <laughs> आप नहीं कर पाई तो

हाँ मतलब वो आप सो... जो बोलते हो स्पोकन इंग्लिश है मतलब आप वही सिखाते हो वो मतलब ये चीजें नहीं की रट्टा लिखो वो फायदा कोई है ही नहीं फिर उसे चली तो चली आपने चली मतलब ये कहा है तो प्रॉमिस कि आप स्पोकन ही सिखाओगे तो आप वैसे ही मतलब आपको पता है कैसे क्या करना है हाँ, exactly, so, कहीं exactly. ना कहीं वही वही वरना क्या फायदा हम कॉपी बनाएंगे लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है मतलब जितना अभी तक मुझे लगा

तो टीचर को सच में खुशी होती है मुझे सच में खुशी होती है जब आप यहाँ पर बोलते हो लाइक विदाउट एनी हेजिटेशन विदाउट एनी फेयर ठीक है और ये वो लेवल है इस पर आपने एक बार काबू पाया ना देखो आपको ये ट्रांसलेशन आई आपको पता है मुझे कौन सी यहाँ पर वर्ब इस्तेमाल करनी है कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है बस लैंग्वेज ही है अब यहाँ पर होता है देखो अब यहाँ पर होता है देखो अब यहाँ पर क्या होता है जब आप इसके बाद आप मतलब ऐसे बोलते रहोगे आपकी फ्लुएंसी खुद ब खुद ही बढ़ जाएगी दूसरा है फिर वो कैबलरी वर्ड्स ठीक है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा या आज गूगल पे या बहुत सारी चीजों या लाइक यूट्यूब पे है ठीक है वो कैबलरी हर दिन आपको एक एक दो दो एक एक दो दो आपको क्या करना है आपको यहाँ पर मेमोराइज uh, करना है मेमोराइज जब आप इंशाला करोगे तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा वहां पर आपकी जो लेवल होगी वो नेक्स्ट लेवल तक खुद ब खुद ही चली जाएगी तो वो चीजें होती है बस सब कुछ जो मेन होता है वो यही होता है जो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है इसके बाद आप फ्रेज वगैरह वगैरा के हैं कॉपी लाओ आप कहीं से वन हंड्रेड में आपको कॉपी मिलेगी है ना आपको कोई बुक मिलेगी ठीक है तो वहां पर आप देखोगे कि कितनी चीजें होंगी वहां पर एंथोनियम्स होंगे स्नेनियम्स होंगे या बहुत सारे वो या वहां पर क्या इसको बोलते हैं लाइक फ्रेजल वर्ब्स होंगे फ्रेज होंगे ईडीएम्स होंगे ठीक है प्रो वर्ब्स होंगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं उससे आपकी जो लेवल है वो लेकिन ये चीज ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम अभी यहां पर कर रहे हैं इस पर पाना ये ठीक है ठीके? तो अभी लास्ट टाइम आपने वो वीडियो मांगा था फिर मैंने आपको वो पढ़ाया भी लाइक सिंपल सेंटेंस तो वो फिर क्लियर हुआ जी जी सर वो उसी टाइम क्लियर हो गया था चले 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 बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा एक्चुअली सर मुझे जो आपने कहा ना वही सही लगा मत, आपने बोला कि बोर्ड पे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है जितना आप बोलोगे एंड जितना आप इंग्लिश सुनोगे दैट्स इट वो काफी है उतना हाँ, उससे आप फिर खुद ही बस नही मतलब फिर यही सही लगा कि जितना सुनना है और जितना बोलना है बस मुझे लगता है ग्रामर भी उतना ज्यादा मैटर नहीं करता हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर है सबसे ज्यादा Practice. जितना हो सके yeah. आप दो दिन तो बोल के देखो आप दो दिन बोल के देखो आपको मैं आलिया आप बता रहा हूं। आप yeah. खाली दो भी हरा नहीं सकता इंग्लिश में बस ये चीजें होती है। yeah. चले चले चलिए बहुत ही अच्छा okay. इसके बाद कौन है इसके बाद कौन, कौन करेगा हम इसी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करेंगे ठीक है कोई है जल्दी से चलो आना है आप रेडी है yes, sir. हाँ चलिए जरा ये बोलो लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया इस तरह बोलो सर लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया I don't interest, I didn't, interested. I, I didn't. I didn't. I didn't interested. I didn't interested. बेटा आपने क्या बोला था मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया ध्यान देने को हम बोलते हैं अटेंशन ठीक है पे अटेंशन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया चलो बेटा आप अभी वेट करो ठीक है आप बड़ों को यहाँ पर सुनो मुझे पता है आप फिफ्थ क्लास में तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा जरा महफूज आप करो सर मैं आप कोई मसला नहीं आप थोड़ा सा वेट कीजिए फिर उसके बाद हम देंगे आपको ठीक है मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया ठीक है मैंने घर की तरफ चलना स्टार्ट किया टर्ड्स माई होम देना इस तरह बोलना है माई होम लगाने की जरूरत नहीं है ठीक okay. है होम आपका है तो आपका ये रहेगा देन आई स्टार्टेड वॉकिंग टूअर्ड्स होम ठीक है okay. Then I started walking towards home. तो जब मैं ज, जब मैं मैं जंगल के करीब पहुंचा जब मैं जंगल के करीब पहुंचा वेन आई रीच नियर टू दंगल रीच इड और वेन आई रीच क्लोज वेन आई close, क्लोज क्लोज टू दंगल और क्लोज टू द फॉरेस्ट तो okay. ठीक है तो मैंने कुछ अजीब सी तो मुझे कुछ अजीब सा लगा ठीक है मुझे कुछ अजीब सा लगा आई फील समथिंग स्ट्रेंज I आई something आई I I felt, felt और ऊपर से अंधेरा भी होने वाला था ऊपर से ऊपर से ऊपर से के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे आप करोगे फर्दर मोर इन एडिशन टू दिस फर्दर मोर इन एडिशन टू दिस ठीक है इस तरह बोलोगे इसके अलावा मतलब ऊपर से है इसके अलावा ऊपर से अंधेरा अंधेरा होने वाला था फॉर इन एडिशन टू दिस इट हैज बिकम सो डार्क it has become देखो अंधेरा हो चुका था अंधेरा हो it has become so dark अंधेरा हो चुका था अंधेरा होने वाला था इस सेंटेंस को हम इस तरह बोलेंगे जैसे कि मैं उसको कॉल करने वाला हूँ आई एम अबाउट टू कॉल हिम मैं उसको कॉल करने वाला था आई वाज अबाउट टू कॉल हिम आरंभ बोलेंगे अंधेरा होने वाला था पास्ट में ठीक है इट वाज अबाउट टू गेट डार्क यू नो अबाउट टू गेट डार्क ठीक है इट वाज अबाउट टू गेट डार्क ठीक है अंधेरा होने वाला था और मैंने सोचा मैं आ, वापस जाना चाहता था लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं सॉरी ये करो ठीक है और हाँ उसके बाद जो ही मैंने जो ही मैंने, जो ही मैंने आ, जंगल के अंदर कदम रखा After that, I जैसे, ही मैंने, जैसे ही मैंने द मोमेंट मोमेंट the the मैंने जंगल में कदम रखा जंगल इन टू दंगल ठीक है जंगल ठीक है तो मैंने कुछ अजीब सी आवाजे सुनी आईस ठीक है आई हेयर नहीं हेयर की सेकेंड फॉर्म क्या है आज के बारे heard, में बता I रहे आई हर्ड

it has become dark ठीक है it has become क्योंकि अभी तक अंधेरा हो चुका था ठीक है आप मिश्र बोलेंगे अंधेरा हो चुका था या अंधेरा हो चुका था यहाँ पर it had become dark ठीक है अभी आप यही रखो तो ये हम आगे भी देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट आपने पास्ट परफेक्ट अभी आपने नहीं पढ़ा तो ये आपको वहां पर क्लियर होगा ठीक है एंड it had it had become dark अंधेरा हो चुका था ठीक है अंधेरा हो चुका था और उसके बाद मैंने

कोई मुझे पुकार रहा हो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो आई थॉट समन इज कॉलिंग मी ठीक है आई थॉट मुझे लगा ठीक है मतलब मैंने सोचा या आई शेल्ट सम बडी इज कॉलिंग मी कोई मुझे पुकार रहा है ठीक है मेरे पीछे से मेरे पीछे से कोई मुझे पुकार रहा है सर बोला नहीं अभी हाँ फिर से कीजिए

डेस्टिनेशन देन आई स्टार्ट देशन स्टार्टेडिनेशन फिर मैंने फिर से क्या किया मैंने अपनी मंजिल की तरफ चलना स्टार्ट किया ठीक है मंजिल की तरफ चलना स्टार्ट किया लेकिन बीच रास्ते में लेकिन रास्ते में

अगेन देर वॉज नो वेर वॉज नो बडी नो बडी वॉज ओवर थियर लेकिन अचानक से लेकिन अचानक से किसी ने अचानक से बट ऑल ऑफ सडन या सडनली किसी ने मेरे कंधे पर मेरे कंधे पर हाथ रखा आप म्यूट रखिये वेरी गुड ब्रिलियंट चलिए आप करोगे सर ओके चलिए इफारत आप कीजिए तो किसी अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। रखालीज हैंडर हैंड हिज हैंड ऑन my शोल्डर ऑन माई शोल्डर ठीक है सम बड़ी पुट इज हैंड ऑन माई शोल्डर और आ, पहले मुझे लगा कि ये मेरा दोस्त होगा

whose jiska whose whose face was covered with uh, hair whose face was covered with whose face was covered with hairs theek hai his hairs theek hai aur his face was covered with fears theek hai aur uske chehre par bahut sare theek hai उसके चेहरे पर बहुत सारे scratches थे uh, बहुत सारे, सारे गांव थे ठीक है मतलब वो होते हैं ना वो जख्म ठीक है तो उसके चेहरे पर बहुत सारे रकम थे बहुत सारे स्क्रैच थे I saw many scratches on his uh, and there were uh, इसलाब बोलोगे okay. and there were so many scratches there were so many scratches or there were so many wounds wound क्या होता है वो जख्म ठीक है and there were so many wounds on his face on his face ठीक है और जब मैंने उसकी आँखों की तरफ देखा

इन टू हिज आइज तो उसकी आंखें जो थी वो लाल थी वो इतनी his, लाल थी वो इतना, वो इतनी लाल थी जितना खून आइज वर रेड एज रेड एज रेड एज एज इतना बोल रहे हैं ठीक है his eyes were, as blood ठीक है उसकी जो आंखें थी वो इतनी लाल थी जितना खून <laughs> इस तरह हम बोलते हैं as as का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है एक कंजक्शन है ठीक है हिज आइज वर हिज आइज वर एज रेड एज ब्लड जितना उसकी आंखें जो उतनी लाल थी जितना खून ठीक है और जैसे ही मैंने ये मंजर देखा मैंने आ, मैंने चीखना स्टार्ट किया जैसे ही मैंने मंजर देखा when... मैंने चीखना स्टार्ट किया व्हेन आई व्हेन आई

मेरा पीछा कर was रही थी हाँ वॉज फॉलोइंग मी सर हम बोलेंगे वॉज फॉलोइंग मी वॉज चेजिंग मी और वॉज रनिंग आफ्टर मी दैट स्ट्रेंज थिंग और दैट स्ट्रेंज क्रिएचर वॉज फॉलोइंग मी वॉज चेजिंग मी और वॉज रनिंग आफ्टर मी ठीक है वो इतना खोफनाक था कि मैं उससे अपनी नजर ही नहीं हटा पाई वो इतना खोफनाक था कि मैं उससे अपनी नजर ही नहीं हटा पाई कौन इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेगा ही वॉज इट वॉज टू scary दैट आई कुडंट टेक ऑफ my eyes. आईज exactly okay? it was so scary like that thing was so like terrible like that thing was too uh, that thing was too terrible or so terrible or that thing was so uh, that creature was so scary okay and uh, and because of that because of that I couldn't take my I take one size off take one size off okay का मतलब होता है नजरें हटाना जैसे कि मैं उसे अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा हूं ठीक है मैं उसे अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा हूं अब मैं सर बोलूंगा आई एम नॉट ठीक है आई एम नॉट थे आईज ऑफ हिम या आई एम नॉट थेकिंग आईज ऑफ हर मैं उसे अपनी नजरे ही नहीं हटा पा रहा हूं ठीक है सो या आई कैन टेक माई आईज ऑफ हिम और हर ठीक है इस तरह हम बोलेंगे कैन की जो पास फॉर्म है वो क्या है खुद ठीक है हम इस तरह बोलेंगे आह, uh, because of that, that thing was very scary or very strange, very scary or terrible that I couldn't take my eyes off, that I couldn't take my eyes off him. Yeah, I couldn't take my, I couldn't take my eyes off him. कि मैं उसे अपनी नजर ही नहीं हटा पाया, ठीक है? मैं उसे अपनी, अपनी नजर ही नहीं हटा पाया, ठीक है? और, ठीक है? और इस दौरान, और इस दौरान, हाँ और इस दौरान इन द मीन टाइम ठीक है इस दौरान इन द मीन टाइम आप सुन रहे हैं उजमा कहां पर आ गई उजमा चलो उज्मा नहीं करेगी और कोई है यहां पर साहब करोगी नो सर इकरा आप करोगी <coughs> इकरा आप करोगी <coughs> नुसरत आप करोगी ओके इट्स नुसरत आप करोगी हेलो हाँ हाँ आशा आप करोगी yes, sir. जरा बोलो yes, sir. हाँ जरा ये बोले कि आ, सर वो चीज इतनी मतलब खौफनाक थी कि मैं उससे अपनी नजर ही नहीं हटा पाई सर दैट दैट थिंग वाज टू स्कियरी दैट्स व्हाई आई डिडंट टेक माय आईज मैंने नहीं हटाई मैं नहीं हटा पाया पाया किस सेंस के लिए आप कुड का इस्तेमाल करोगे ठीक है ठीक है मैंने अपनी नजरी नहीं हटाई दूसरा होता है मैं अपनी नजरी नहीं हटा पाया पाया के लिए कुड आई कूडन टेक माई एज ऑफ हिम ठीक है आई खूड टेक माई आईज ऑफ हिम ठीक है मैं अपनी नजरी नहीं हटा पाया ठीक है और इस दौरान मेरा uh, मेरा सर uh, पेट से टकरा टकरा गया इन द मेन टाइम माई हेड इन दीन टाइम सर क्या फिर बोलिए मैं जरा कि uh, इस तरह इस दौरान मैं एक पेड़ से टकरा गया पेड़ से टकरा गया। टकराने को हम बोलते हैं कोलाइड ठीक है ट्री ठीक है मैं टकरा गया आई कोलाइड मैं ही टकरा गया आई खोलाइडेड विद्री

उसके बाद ठीक ठीक है है अनकॉन्शियस उसके बाद मैं गिर के बेहोश हो गया आई गॉट अनकॉन्शियस दूसरा होता है मैं गिर के बेहोश हो गया फॉल की सेकंड फॉर्म फेल आई फेल अनकॉन्शियस आई फेल अनकॉन्शियस मैं गिर के बेहोश हो गया ठीक है आई फेल अनकॉन्शियस ठीक है और जब मुझे होश आया और जब मुझे होश आया एंड व्हेन आई गेट व्हेन आई गॉट व्हेन व्हेन आई आई गेट गॉट कॉन्शियस व्हेन आई गॉट माय कॉन्शियस बैक व्हेन आई गॉट माय और व्हेन आई ठीक है इस तरह बोलोगे ठीक है बहुत सारे तरीके ये हम बोलेंगे व्हेन आई गॉट माय बैक व्हेन आई व्हेन आई गॉट माय कॉन्शियस When I got my conscious, uh, conscious back, ठीक है? When I got my conscious back, तो मैंने देखा कि वो अजीब सी मक्खूलूक मुझे गशीट रही थी। uh, After that I saw the that stranger, uh, that uh, that after that I saw uh, the strange creature. हम्म। गशीट ने को बोलते drag। हाँ drag, drag uh, me। हाँ। uh, Was dragging me। theek hai was dragging me theek hai

अन इंटेंशनल टू सीट तो मैंने देखा की उसके जो एंकल्स थे उसके पैर मुड़े हुए थे इस तरह बोलोगे दैट लाइक हिज फीट वर्थ विस्टेड उसके जो पैर थे वो क्या थे डायन की तरह सर hmm. yes,

कुछ टाइम के बाद जब उसने जब वो वहां से निकली आफ्टर सम टाइम व्हेन शी लेफ्ट आउट फ्रॉम देयर when the uh, strange uh, creature left that uh, letter like his cue ठीक है तो hmm. तो मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने आस मैंने अपने आसपास खाली uh, खाली uh, मतलब इंसानों की हड्डियां देखी

Skeleton. 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 Exactly. Okay sir. I I found. Uh, I found skeleton The bones of humans. and skeletons of Of humans, humans. Of humans. Hmm. Of humans. Hmm. Of humans. ल्टन तो को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं और इसके बाद हम इस स्टोरी को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं ठीक है क्योंकि अगर हम और यहाँ पर कुछ जोड़ेंगे तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी और इसमें एक घंटा फिर से लग जाएगा